हमेशा से ही कहा जाता है कि छोटे शहर की लड़कियां मुंबई की टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो सकती, पर हमारी टीवी इंडस्ट्री की कुछ मशहूर एक्ट्रेस ने इस धारणा को गलत साबित किया है। जो खुद भारत के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखती हैं, पर बावजूद उसके आज वो टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। उन सभी अदाकारों ने अपने टैलेंट के दम पर दिखाया कि एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां भी टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना सकती हैं। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की 6 ऐसी ही अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने छोटे शहर से होने के बावजूद टीवी इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, रतन राजपूत। अभिनेत्री रतन राजपूत को भला आज कौन नहीं जानता। भले ही आज लोग इन्हें इनके असली नाम से नहीं, पर सभी लोग इन्हें अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो सीरियल की लाली के किरदार से जानते हैं। आपको बता दें, ये लाली मुंबई या किसी और बड़े शहर की नहीं बल्कि बिहार के पटना की हैं। उस शहर से निकलकर इस अभिनेत्री ने ग्लैमर की इस दुनिया में अपना खूब नाम कमाया, जो वाकई काबिले तारीफ है। नंबर 2, श्वेता बसु प्रसाद। चंद्र नंदनी जैसे हिट सीरियल्स के साथ अभिनेत्री श्वेता बसु प्रसाद ने टीवी इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम हासिल किया, पर आपको बता दें, जमशेदपुर जैसे छोटे से शहर से ताल्लुक रखने वाली इस अदाकारा के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इन्होंने इसकी परवाह नहीं की, बल्कि बतौर बाल कलाकार से ही ये कड़ी मेहनत कर सफलता का स्वाद चखती चली गयी। इसी तरह अपनी इसी कड़ी मेहनत के साथ छोटे शहर से ताल्लुक रखने वाली ये अदाकारा टीवी इंडस्ट्री की नामी अभिनेत्री बन गयी है। नंबर 3, रति पांडे। हिटलर दीदी सीरियल से मशहूर हुई अभिनेत्री रति पांडे टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। इस अदाकारा ने पटना जैसे छोटे शहर से होने के बावजूद अपने टैलेंट के दम पर टीवी इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई। अपने स्ट्रगलिंग डेज में इन्होंने काफी परेशानियों का सामना किया, पर उन परेशानियों के सामने ये झुकी नहीं, बस अपने सपने को साकार करती चली गयी। और इनकी इसी मेहनत और टैलेंट ने इन्हें टीवी इंडस्ट्री में अलग मुकाम दिलवाया है, जिन्हें बेगूसराय, मिले जब हम तुम और हिटलर दीदी जैसे कई हिट शोज के लिए आज भी याद किया जाता है। नंबर 4, श्रुति झा। कुमकुम भाग्य सीरियल में प्रज्ञा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री श्रुति झा पिछले 6 सालों से अपने इस किरदार के साथ दर्शकों की फेवरेट बनी है, साथ ही टीवी इंडस्ट्री की एक सफल एक्ट्रेस भी है। बता दें, टीवी की ये अदाकारा बिहार की एक छोटी सी जगह बेगूसराय से ताल्लुक रखती है। वही इनका जन्म हुआ और सारी पढ़ाई यही हुई, पर अपना करियर एक्टिंग में बनाने के लिए इन्होंने उस छोटे से शहर से निकलकर अपनी मेहनत के साथ टीवी इंडस्ट्री में अलग मुकाम हासिल किया। आज ये अदाकारा इतनी सफल हो गई हैं कि अब इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। नंबर 5, पारुल चौहान। अभिनेत्री पारुल चौहान का चेहरा देखकर आपको विदाई सीरियल की रागिनी याद आ जाती होगी। बता दें, पारुल चौहान का ये पहला सीरियल था जिसके जरिए इन्होंने मुंबई टीवी इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। मुंबई आकर इस शो में काम करने के लिए इस एक्ट्रेस ने खुद को लखीमपुर खीरी जैसे छोटे से शहर से निकाला, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, जहाँ पर बिजली भी सही से नहीं आती और कुछ ज्यादा सुख सुविधा भी नहीं है। उस छोटे से शहर से निकलकर इन्होंने अपने टैलेंट के साथ टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। नंबर 6, कृतिका सेंगर। कसम तेरे प्यार की और झांसी की रानी जैसे कई हिट सीरियल्स देने वाली अभिनेत्री कृतिका सेंगर का नाम भी छोटे शहर की बड़ी अभिनेत्री वाली लिस्ट में लिया जाता है। आपको बता दें, ये अदाकारा कानपुर जैसे छोटे से शहर से आती हैं। कानपुर इनका जन्म स्थान है। उस छोटे से शहर से ताल्लुक रखने के बावजूद इस अदाकारा ने टैलेंट के साथ टीवी इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया और साबित किया कि छोटे शहर की रहने वाली लड़कियां भी टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना सकती हैं। तो दोस्तों, इनमें से आपकी फेवरेट अदाकारा कौन सी है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी अनसुनी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।